हाय गाइस, गुड इवनिंग. आज है कौन सा दिन है? आज है इट्स अ वेंसडे और शाम के बजे हैं 6:30. और मैं अभी जस्ट नहा धो के आई हूँ. बाल भी मैंने वॉश किया है और आप सबको मौसम दिखा देती हूँ. बहुत ही अच्छा हो रखा है अभी मौसम, मतलब बारिश वारिश अभी नहीं हो रही है इन दिनों, विच इज़ अ रिलीफ बिकॉज कपड़े फाइनली सूखने लगे हैं, लाइक ऊपर टंगे हुए हैं, अब सूखने लगे हैं कपड़े. सो दैट्स अ रिलीफ नाउ. एंड चिकू अभी जस्ट ट्यूशन से आई. एंड वेल, आज शाम से मेरा ये व्लॉग स्टार्ट करने का ये मकसद है क्योंकि अभी हम लोग, मैं और चिकू जाने वाले बर्थडे पार्टी में, तो मैंने सोचा वो शूट करूँ. एंड ऑल्सो देयर इज अ वेरी बिग गुड न्यूज़, मेरे पापा आ रहे हैं बैंगलोर, कल आ रहे हैं पापा. सो आप सबको बहुत सारी मज़ेदार व्लॉग्स मिलेंगी पापा के साथ. हम लोग जहाँ भी अभी घूमने जाएंगे, आई व्लॉग एवरी थिंग एंड बहुत ही मज़ेदार होने वाले. सो प्लीज़ सारे वीडियोज़ को देखना जो अपकमिंग व्लॉग्स या वीडियोज़ होंगे. एंड वेल, अभी टाइम बहुत कम है, लाइक 7:30 तक मुझे निकलना है, तो मैं अभी पहले रेडी हो लेती हूँ, फिर आप सबसे बातें करते हैं. मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं. वेल, इसके अंदर है द गिफ्ट दैट आई एम गिविंग. इट्स अ टी शर्ट, सो मैंने यहाँ रखा है. एंड दिस इज़ माई नेक पीस. एंड इसके साथ आई एम गोइंग टू वेयर दिस क्यूट ईयर रिंग्स. सो ये रख लिया. एंड दिस इज़ द सेम ड्रेस विच आई वॉर फॉर डुगूस बर्थडे. तो बहुत टाइम से ये निकला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको निकालते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं फाइनली. सो मैंने इसको निकाला हुआ है और अब मैं हो जाऊँगी रेडी. उसके बाद फिर चिकू को रेडी करना है. डुगू एंड रंजन आज घर पर रहेंगे, ये लोग नहीं जाने वाले हैं. सो दैट्स रिलीफ बिकॉज खाना वाना जो है सब मैंने बना के रख दिया है उनका. एंड अब हम दोनों जाने वाले हैं, माँ बेटी. तो पहले मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर चलते हैं. सो हियर आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप. बाल अभी थोड़े गीले गीले ही हैं, सो सबसे पहले मैंने अपने फेस का जो स्किन केयर है वो लगा लिया. मैं इन डिटेल सब कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज कई बार मैंने ऐसे वीडियोस बना चुके हैं, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं पहले यूज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं मेकअप से स्टार्ट करूँगी. तो कोई भी मेकअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप स्किन को प्रेप कैसे करते हो. अगर आप अच्छे से स्किन प्रेप कर लोगे तो फिर आपका पूरा मेकअप जो है ना बहुत अच्छे से बैठेगा एंड बहुत ही अच्छा लुक देगा वो आपको. सो स्पेंड सम टाइम इन दैट एंड डू इट. और आईब्रोज़ वगैरह सेट कर लिए हैं. मीनवाइल कभी कभी इन बिटवीन चीकू भी आ जा रही है, मम्मा क्या कर रही हो, पूछने के लिए कब तक चलेंगे, बिकॉज मैं और चीकू ही जाने वाले हैं ये बर्थडे पार्टी में. डुगू और रंजन घर पे रहने वाले, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड है कि इट्स गोइंग टू बी मम्मी के साथ आज नाइट आउटिंग एक्चुअली. तो फिर वो एक्साइटेड थी. और मेकअप वगैरह फटाफट से कर लेने के बाद मैंने जो है ड्रेस पहन लिया. तो ये ड्रेस मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है पार्टीज़ में. एंड ये देखिए, मैं अपना पूरा लुक आप सबको दिखा रही हूँ. अभी क्या कर रही हो? पूजा कर रही हो? अच्छा, ओके, वेरी गुड. कैरी ऑन कैरी ऑन गाओ. ओके, आप और भगवान जी करो, ठीक है? ओके. चिकू इज एक्साइटेड एंड ऑल सेट टू गो, है ना? देखिए, हमारी राधा रानी रेडी है स्कूल जाने के लिए. आज है नेक्स्ट डे गाइस. और चीकू चली अभी स्कूल. आज इसके स्कूल में है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन. सो लेट्स गो चिकू, एक बार तुम्हारा पूरा लुक तो दिखा दो. वाओ, यू लुकिंग फैबुलस. चले आज तुम्हारे स्कूल में. अच्छा, और कृष्णा भी आने वाले हैं. जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा. भगवान अच्छे हैं. ऑफ कोर्स. नहीं है आज धूप. अभी तक तो बारिश नहीं हुई, बट हो सकता है. बाय बाय.
बाय बाय। सो फाइनली द डे हैज़ कम। पापा आज आ रहे हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं पापा को एयरपोर्ट पिक करने के लिए। और अभी बजे हैं 7:45। एक्चुअली पापा का फ़्लाइट लैंड करेगा 9:05 को, तो हम लोग उस हिसाब से निकलेंगे कि पापा को पिक करके फिर हम लोग वापस आ जाए। तो बच्चे भी जा रहे हैं एंड हम लोग सब जा रहे हैं पापा को पिक करने के लिए। रियली रियली एक्साइटेड। नानू आ रहे हैं चिकू, ये बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। ओके, अरे वाह चिकू, कहाँ लेके जाओगी तुम? पार्क। पार्क, ठीक है, हम लोग पार्क चलेंगे। ओके, पार्क चलेंगे और नानू को भी लेके जाएंगे। ओके, और क्या खिलाओगी तुम नानू को? काकू को पिज़्ज़ा। हाँ, चिकू का फेवरेट फूड खाएंगे नानू, है ना? ओके। सो अभी जबकि पापा आने वाले हैं, मैंने खाना वाना झटपट बना के रख लिया बिकॉज पापा को पिक करने जाना है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। रात के टाइम में पूड़ी वूड़ी पसंद नहीं करते, तो मैंने यहाँ रोटी बनाया है, सेवई बनाया है, उसके बाद मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई हुई है, मशरूम एंड कैप्सिकम, दूध यहाँ बॉईल किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने दाल तड़का बनाया हुआ है, वी हैव सम सैलड। पापा के लिए कर्ड मैंने बाहर पहले से निकाल के रख दिया बिकॉज रात का टाइम है, फ्रिज का नहीं खाएंगे। आलू फ्राई एंड दिस इज जीरा राइस। सो वी हैव स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट। लगभग हम लोग 8:30 मतलब 8:30-8:15 के बीच में निकले थे घर से, एंड जाते जाते चीकू सो गई पहले ही, मतलब 5-10 मिनट के बाद वो सो गई, तो मैंने उसको बैक सीट में आराम से सुला दिया और मैं बैठी हूँ बगल में और हम लोग जा रहे थे। लाइट्स वगैरह जो है लगी हुई थी रास्ते में जन्माष्टमी के लिए, और ये ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं तब का है, तो आप सब देख पा रहे हो ये जो वहाँ पे मेंटेन करते हैं ना गार्डन वगैरह, बहुत प्यारा लगता है। एंड अब डुगू सो गया और चीकू उठ गई, सो ये गार्डन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये कैप्चर कर लिया। ग्रीन ग्रीन सा बहुत ही अच्छा एक व्यू लग रहा था ये। और हम लोग जा रहे हैं आगे पापा को पिक करने के लिए। एक्चुअली पापा लैंड तो कर गए थे बट पापा का जो है ना लगेज वगैरह मिला नहीं था, तो हम लोग सोचे हम लोग अपने से धीरे धीरे चलते हैं ताकि हम पार्क वार्क ना करें और पापा को डायरेक्ट लेते हुए निकल जाए वहाँ से, बिकॉज़ फिर पार्किंग अगर करने जाते हो काफ़ी दूर हो जाती है, फिर वहाँ से पापा को पिक करो और फिर वापस आओ तो बहुत टाइम लग जाती है, एंड बच्चों को बाहर निकालने का मन नहीं था एयरपोर्ट में, सो इसीलिए। एंड आप सब खुशी तो देख ही पा रहे हो मेरा, मैं बहुत हैप्पी हूँ पापा आने वाले हैं। सो पापा आ गए फाइनली एंड उनको बैठा दिया हमने, अब हम चले एयरपोर्ट से वापस। सो अब पापा को घर लेके जा रहे हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।